नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीन भाई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। बेलापुर विधानसभा की वोटिंग करने के लिए वरिष्ठ नागरिक व युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान जारी है। आइए मिलते हैं लोगों से, लोगों का क्या कुछ कहना है वोटिंग के प्रति, वोटिंग कितनी जरूरी है आज के दौर में। जो भी वोटर है उसका ये कर्तव्य है कि हर 5 साल के बाद अपना जो प्रतिनिधि चुनना है उसके लिए मतदान करना अनिवार्य है, बल्कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य है और करना चाहिए, इसलिए हम लोग अभी वोट करके आए हैं। हमारा ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करके बाहर आकर वोट करें। कृपया प्लीज वोट करें। मतदान बहुत जरूरी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वोटिंग चल रही है। लोगों को दूरदृष्टि होनी चाहिए और यंग जनरेशन जो पहली बार वोट करी है प्लीज बाहर आए और वोट करें। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और हमारा जो लोकतंत्र है कम से कम यहाँ पे लोगों को पता लगे कि यहाँ पे कैसी डेमोक्रेसी है। आज हर मतदाता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यही दिशा करेगी कि महाराष्ट्र की आने वाले 5 साल किस तरह से चलेगा और देश की भी दिशा तय होगी। 370 धारा निकलने के बाद 35 से और 370 धारा है, ये पहला चुनाव महाराष्ट्र का और हरियाणा का है। जितना भारी बहुमत से हम लोग विजय दिलाएंगे उतना ही एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में जाएगा। वोटिंग अभी चालू हुई है, थोड़ा स्लो है, लेकिन सब कार्यकर्ता बाहर निकल गए हैं। एक एक जन को प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। युवा पीढ़ी का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम है तो उन्होंने खुद होके आना मांगता है। युवा पीढ़ी ने मोस्टली सीनियर सिटीजन एंड जो मिडिल एज ग्रुप है वो सब लोग खुद होके सब आ रहे हैं और रिस्पॉन्स भी ज़्यादा इधर यहाँ पर, और युवा पीढ़ी को थोड़ा एनकरेज करना बहुत जरूरी है। वोटिंग व्यवस्थित आहे आणि ते कुठलेही गडबड नाही, काही नाही। आज एकमेकांना कोणी असं कन्व्हिन्स करत नाही, प्रत्येकाला ओपिनियन आहे की आपल्या इच्छेचा उमेदवार जो आहे त्याला वोट करायचा। इथे कोणी कोणाला जबरदस्ती वगैरे करत नाही, ज्याला वाटेल त्याने आपल्या उमेदवार वोटिंग करण्यात आलेला आहे। वोटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और 100% वोटिंग होना चाहिए, इसके लिए हम लोग थोड़ा एनकरेज तो कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के सब भी मतलब अभी जितना भी स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे वो सब आके वोटिंग कर रहे हैं, बहुत उसमें बहुत उत्साह है ज़बरदस्त। पर इधर आने के बाद में है ना, बहुत सारे लोगों का आई कार्ड नहीं है, उसके बारे में थोड़ा गवर्नमेंट ने थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत सारे जगह पे एड्रेस और नाम बराबर है बट फोटो और किसी का है, ऐसा बहुत चांसेस है बहुत सारे जगह पे, तो वो थोड़ा मिसमैच है, वो रेक्टिफाई होना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में। वीडियो ले साई पवार के साथ पंकज बिनवंशी की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़, सानपाड़ा। नवी मुंबई आवाज़ को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताज़ातरीन खबरें।